हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सीजी इन एनिमेशन। मैं हूं आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर प्रदीप। तो इस सीरीज़ में हम लोग सीख रहे हैं बेसिकली फ़ोटोशॉप। तो चलिए अपने ट्यूटोरियल सीरीज को स्टार्ट करते हैं यहां से। तो आज बेसिकली हम लोग फ़ोटोशॉप में बात करने वाले हैं करेक्टर्स की, यानी आप इस पर आप टेक्स्ट टूल की बात करने वाले हैं हम लोग। तो करेक्टर्स, पैराग्राफ, टेक्स्ट टूल वगैरह की बात करेंगे। तो जो हमारे इस टूल पैनल में टी साइज का आइकॉन ये दिया हुआ है, इसका मतलब है कि हमारा करेक्टर है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। इसका शॉर्टकट कीबोर्ड पे टी होता है। आप चाहे मूव टूल पे रहें और अगर आप टी अप्लाई करते हैं तो आप अपने करेक्टर टूल पे पहुंच जाते हैं। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह एक्टिवेट करने के लिए और देखने के लिए आपको जाना होगा विंडो 10 करेक्टर। इसके अलावा आपको जाना होगा विंडो 10 पैराग्राफ। वैसे आपका यहाँ पे इस बार में ऑलरेडी करेक्टर और पैराग्राफ का आइकॉन शो होता है, जिसके थ्रू आप करेक्टर की स्टाइलिंग, करेक्टर का फॉन्ट, करेक्टर का साइज, उसके बीच की वर्टिकल स्पेसिंग, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग वगैरह वगैरह, और करेक्टर की स्टाइल यानी वो अपर केस होगा, सबस्क्रिप्ट होगा या सुपर स्क्रिप्ट होगा या अंडरलाइन होगा या बोल्ड होगा या टेक्स्ट होगा या कौन से फॉन्ट में होगा, उसकी स्टाइलिंग वगैरह वगैरह यहाँ पे क्या होगी, इसका आप निर्धारण कर सकते हैं। इसके अलावा आपका करेक्टर क्लिप्स होगा, शार्पन होगा, स्ट्रांग होगा, स्मूथ वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आप करेक्टर का कलर सीधे सीधे यहाँ से अपने करेक्टर को कलर दे सकते हैं। इसके अलावा करेक्टर जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं, टी अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आप फॉन्ट के अलावा फॉन्ट की स्टाइलिंग, क्लिप्स, बोल्ड, कंडेंशन, सेमी बोल्ड इटैलिक, बोल्ड इटैलिक वगैरह आप यहाँ से दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे करेक्टर का साइज आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे शार्प, क्रिप्स, स्ट्रांग, स्मूथ वगैरह दे सकते हैं। इसके अलावा फॉन्ट की अलाइनमेंट आप यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं। इसके अलावा करेक्टर्स को आप 3D बनाने के लिए 3D में स्विच करना पड़ेगा, क्रिएट 3D फॉर्मेट टेक्स्ट, आप वो भी ओके कर सकते हैं। तो ये रही इसकी ओवरव्यू की बात, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा करेक्टर पर जैसे आप क्लिक करते रहेंगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप मास्क एंड हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क चार तरह के यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टल टाइप की। हॉरिजॉन्टल टाइप में सिंपल करेक्टर की, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे एक न्यू लेयर, उसके साथ टी बना हुआ है, यानी ये आपकी टेक्स्ट लेयर है, आ जाती है। जैसे मैं इस पर कुछ टाइप करता हूँ, बाय द वे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा, बहुत सॉरी, इस पर कैप्स लॉक ऑन था। अब जैसे मैं मुझे इसे एडिट करना है तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और अपने करेक्टर पर आ जाऊँगा। इस तरीके से आप करेक्टर की स्टाइलिंग एडिट करते हैं। फिर अब आते हैं इसके फॉन्ट और स्टाइलिंग पे। तो सबसे पहले मैं अपना करेक्टर का पैनल ओपन करता हूँ। जो आप वहाँ से कर रहे हैं वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मल्टी करेक्टर हैं तो आप उनको यहाँ से अलाइन शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके, जैसे मैं इसको कंट्रोल जे करता हूँ और इसको मैंने अपनी साइड में रखा, और इसके अलावा शिफ्ट की होल्ड करके दोनों करेक्टर की लेयर को सेलेक्ट किया, अपने आप ही हाईलाइट होने लगे। इसके साथ ही हम इनको अलाइन करा सकते हैं कि किस तरीके से हमारा करेक्टर अलाइन होगा इस तरीके से। तो मैं फिलहाल के लिए अपनी लेयर को डिलीट करता हूँ, डुप्लीकेट लेयर को, जो मेरी डिलीट हो गई। इसके बाद सबसे पहले आते हैं करेक्टर की साइज में। तो इस पर आप चाहें तो मैनुअली करेक्टर का साइज, जैसे 152 एंटर किया आपने तो आपके करेक्टर का साइज 152 हो गया। इसके अलावा आप इस पर करेक्टर का साइज सीधे इस टेक्स्ट आइकॉन पर क्लिक कर, जैसे ही आप होवर करते हैं तो सेट द फॉन्ट साइज लिख कर आता है, और ये हमारा माउस लेफ्ट और राइट स्क्रॉल में चेंज हो जाता है। इस पर आप क्लिक करके अगर इसको राइट साइड ड्रैग करेंगे तो इसका फॉन्ट डिक्रीज होगा, इसके साथ आप अगर लेफ्ट साइड डिक्रीज करेंगे राइट साइड तो आपका फॉन्ट इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से आप इसके फॉन्ट में इंक्रीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपका मल्टी लाइन करेक्टर है तो उसको मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से उसके साथ काम करते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं करता हूँ करेक्टर डिलीट और एक मल्टी लाइन करेक्टर बनाता हूँ, जैसे दिस इज माई करेक्टर विच इज गोइंग टू मल्टी लाइन। मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट करता हूँ छोटा ताकि मेरा करेक्टर दिखने लगे इस तरीके से। थोड़ा सा और मैं इसे छोटा करता हूँ, सो दिस इज टू मच। तो सबसे पहले हम आते हैं पैराग्राफ के ऊपर। तो जैसे मैं पैराग्राफ को एडजस्ट करना चाहूँ तो इस तरीके से इसको मैं साइड बाई साइड, इसको मैंने सेंटर अभी एडजस्ट किया है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, या मैं साइड में करता हूँ इस तरीके से। इसके अलावा आप इसको लेफ्ट साइड से अलाइन करा सकते हैं, राइट साइड से अलाइन करा सकते हैं। इसके अलावा आप स्टार्टिंग की पोजीशन कितनी रहेगी कि यहाँ से आप निर्धारण कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये तो रही पैराग्राफ अलाइनिंग की बात। इसके बाद हम लोग आते हैं करेक्टर पे।
करेक्टर के आप करेक्टर आपको सेंटर में लाना होगा, तो उसके लिए पहले मैं इसका और फॉन्ट थोड़ा छोटा करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा, लगभग 40 के आसपास इस तरीके से, और मैं इसको पैराग्राफ से करता हूँ सेंटर। तो मेरा टेक्स्ट आ गया सेंटर में, इसको मैंने सेंटर में रखा। तो मैं इसको सेंटर में लाने के लिए अपने बैकग्राउंड लेयर को सेलेक्ट करता हूँ, इसके बाद इस तरीके से हमने क्लिक किया और ये हमारा एकदम सही जगह सेंटर में आ गया। इसके बाद हम लोग आते हैं करेक्टर पे। करेक्टर पे भी ये रेगुलर, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, सिंबॉलिक इटैलिक वगैरह वगैरह आपके दिए हुए हैं, जिस पे आप लोग करेक्टर के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे इसकी लाइन स्पेसिंग, इन दोनों के बीच की स्पेसिंग इतनी है। अगर मैं इस दो, एक छोटा एक बड़ा एक के बीच में अगर हम क्लिक करके इसको कम कर दें तो ये एक के साथ एक चिपक जाएगा, अगर बिल्कुल कर दें तो एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा। इसके अलावा हम बढ़ा दें तो ये नीचे आ जाएगा इस तरीके से। तो ये करेक्टर के बीच की स्पेसिंग होती है। इसके अलावा हम लोग अगर इसके करेक्टर के बीच की ये स्पेसिंग हटा देंगे, ये वाली, तो ये करेक्टर एकदम से एक साथ सट जाएंगे, लेकिन अगर इसी को हम बढ़ा दें तो करेक्टर थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे इस तरीके से। फिलहाल के लिए मैं अपनी टेक्स्ट लेयर सेलेक्ट करता हूँ और इसको करता हूँ लगभग 0 के अराउंड, तो हमारा बेसिक डिफ़ॉल्ट आ गया। इसके अलावा हमारा करेक्टर कितना क्रिप्स होगा और कितना टाल होगा इसके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे। इसके अलावा आप करेक्टर को अपर और लोअर साइड भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम करेक्टर का कलर सीधे सीधे यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, डबल बोल्ड, यानी अपर करेक्टर, पहला वर्ड कैपिटल एंड सेकेंड वर्ड बाकी के स्मॉल। इसके अलावा सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, अंडरलाइन, मैं इन सारी प्रॉपर्टीज़ को आप भी करता चाहता हूँ साथ साथ, वगैरह वगैरह की प्रॉपर्टीज़ एक्टिव हैं, आप इनको इस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक प्रॉपर्टीज़ दी हुई थी जिनके थ्रू हमने आपको करेक्टर को समझा दिया। तो ये था हमारा बेसिक ट्यूटोरियल करेक्टर के ऊपर कि हम लोग, इसके अलावा कुछ और भी है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे तो आप जैसे यहाँ पे आप क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो एक करेक्टर बॉक्स आ जाता है। अब आप जो भी इस पे टाइप करें, कंट्रोल ए सी, इसके बाद मैं जाता हूँ लास्ट में और कंट्रोल वी अप्लाई करता हूँ, तो ये कभी भी टेक्स्ट मेरे बॉक्स से बाहर नहीं जाएगा, हमेशा मेरे बॉक्स के अंदर ही रहेगा, जब चाहे टेक्स्ट कितना भी क्यों ना हो। अभी मेरा इतना टेक्स्ट है, अगर मैं इसको और ज़्यादा पेस्ट करना चाहूँ तो कितना भी मैं पेस्ट करूँ कभी हमारा टेक्स्ट बाहर के बॉक्स के बाहर नहीं जाएगा, जबकि टेक्स्ट बॉक्स से बहुत ज़्यादा है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट कोई भी बॉक्स के बाहर नहीं गया हुआ है। ओके करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 3D करेक्टर्स की। 3D करेक्टर बनाने के लिए आपको दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे एक करेक्टर टाइप करें, जैसे हम 3D टाइप करते हैं, 3-dimensional, सॉरी फॉर दैट, 3 देन टी। तो अभी फिलहाल के लिए नंबर 1/2 पे चल रहा है, तो मैं इसको 1/2 से सेलेक्ट करके अपना मेजर नॉर्मल पे लाता हूँ। मैंने डबल क्लिक किया करेक्टर पे, इसके बाद जो यहाँ पे एक्टिवेट करके इस पर सारी स्टाइलिंग मेरी यहीं पे आ रही, क्योंकि मैंने उस पर एक्टिवेट कर रखा है FI को। इसके बाद मैं इसको 3D को थोड़ा सा जूम करता हूँ कंट्रोल टी करके। आप कंट्रोल टी करके भी जूम कर सकते हैं, फॉन्ट उससे भी बड़ा होगा। इसके अलावा आप यहाँ से सीधे फॉन्ट को बढ़ा सकते हैं। अब मैं अपने इस करेक्टर लेयर को सेलेक्ट करूँ और अगर मैं इसका 3D मोड ऑन करता हूँ तो ये ऑलरेडी फिलहाल के लिए मुझे 3D मोड पर स्विच करना पड़ेगा, तो मुझे न्यू 3D लेयर लेनी पड़ेगी इसके लिए। तो जाना पड़ेगा 3D, देन न्यू 3D एक्सट्रूडन फ्रॉम सेलेक्टेड लेयर। इतना क्लिक करते ही हमारा टेक्स्ट 3D में एक्सट्रूड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी है और मेरा सिस्टम थोड़ा सा छोटा ऐसा है, इसलिए इस पर टाइम लग रहा है। मैं यस करूँगा और ये हमारा टेक्स्ट 3D लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी करेक्टर है वो 3D में कन्वर्ट हो चुका है इस तरीके से। तो आप इसके साथ 3D और रोटेशन इसका जैसा चाहें उस तरीके का हैंडल कर सकते हैं रोटेशन को अपने करेक्टर को। इसके अलावा आप Alt होल्ड करके इसके साथ अपनी स्पेस होल्ड करके अपने इसके वर्क स्पेस के साथ भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक्सिस दिए हुए हैं यहाँ पे जिनके साथ आप काम कर सकते हैं। तो इस एक तरीका और है आपका 3D टेक्स्ट बनाने का, वो भी मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। फिलहाल के लिए मैं अपना 3D टेक्स्ट डिलीट करता हूँ और मैं आता हूँ इस प्रॉपर्टी से बाहर। तो मैं जाता हूँ विंडो, देन वर्क स्पेस, देन रीसेट
3D से एसेंशियल पे आता हूँ मैं, क्योंकि मेरा वर्क स्पेस अपने आप 3D में स्विच हो जाता है। आप टेक्स्ट पे जाएं और जो भी आपका टेक्स्ट लिखना है, जैसे मान लीजिए मैं फिर से 3D लिखता हूँ, इसको मैंने कंट्रोल टी के साथ थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इंटर किया। इसके बाद मैं अपनी लेयर को करना स्टार्ट करता हूँ कंट्रोल जे डुप्लीकेट। इसके बाद ऊपर वाली लेयर को छोड़कर, नीचे वाली लेयर को छोड़कर मैं बाकी सारी लेयर्स को करता हूँ कंट्रोल जी, तो एक ग्रुप में आ जाएंगे। ग्रुप को मैं लेता हूँ थोड़ा सा नीचे। इसके बाद आपको लेना होगा अपनी एक एडजस्टमेंट लेयर, जिसमें आपको लेना है ग्रेडियंट लेयर। ग्रेडियंट की आपको स्टाइलिंग जैसा भी आपको 3D टेक्स्ट बनाना है वो स्टाइलिंग आपको अप्लाई करनी होगी। ओके करना होगा, इसको ग्रुप के ऊपर लाना होगा। इसके बाद अपने ग्रुप में आपको इसको असाइन करा देना है इस तरीके से। इसके बाद आप लेयर की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन लेयर जब आप क्लिक करें तो जब आप इसको 3D बनाएं, जैसे मैं इसको कंट्रोल जे करता हूँ अगेन और अपने ग्रुप में डालता हूँ, और इसके बाद इसको 3D करने के बाद मैं कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट, मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट के साथ आल्ट और शिफ्ट के साथ इस तरीके से ड्रैग करता हूँ, तो जितने ज़्यादा मेरे लेयर्स आ जाएंगे उतना ही हमारा 3D होता चला जाएगा इस तरीके से। इसके बाद मैं जब भी चाहूँ अपने इस पर एडिशन करना, तो अपनी मैं सिर्फ ग्रेडियंट को एडिट करूँगा और मेरा टेक्स्ट का जो भी 3D है वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दूसरे तरीके से भी आप 3D टेक्स्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था अपना आज का ट्यूटोरियल टेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं एक्शन के साथ, या फिर पासपोर्ट साइज फोटो क्रिएशन के साथ। जो भी मेरे पास कमेंट आएंगे, जैसे कि पासपोर्ट साइज का कमेंट आता है तो मैं पासपोर्ट साइज बताऊंगा, या फिर अगर मेरे पास कमेंट आता है कि एक्शन बताइए तो मैं एक्शन बताता हूँ। फिलहाल के लिए मुझे दोनों ही टॉपिक कवर करने हैं, लेकिन जिसका पहले कमेंट आता है कि जिसके लिए रिकमेंडेशन आती है तो मैं वही बनाता हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए साइनिंग आउट, नमस्ते।